हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो पॉइंट ये है कि जो एक होता है, जैसे टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, वो लर्नर वाले पॉइंट पे या फेज पे हैं, उस स्टेज पे हैं। लेकिन एक फेज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो फेज या स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली एजुकेशनल फील्ड में होगा और एजुकेशन के लेवल पे होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, सब चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं। सो वो जो स्टेज है वहाँ पे जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि कौन क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, तो वो ओवरऑल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मेजर तौर पे BRCs, CRCs, SMCs और SMDCs जो हैं वो आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्पेशली ये टॉपिक भी जो है बहुत सारे टेट्स में इंक्लूड किया गया है। तो हम इस वीडियो में इतना बेसिक लेवल का डिस्कशन कर लेंगे कि आप ओवरऑल, यानी आपको जो बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए इस लेवल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो वो आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा सोच समझ के और इन्हीं बेसिस पे चीज़ों को देखते हुए क्या होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और हम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, रूरल और अर्बन दोनों लेवल आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गांव के बारे में बात कर रहे हैं या शहर के बारे में या सिर्फ गांव के स्कूल्स, तो वो सब नहीं होगा। ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है जिसमें रूरल और अर्बन दोनों लेवल इंक्लूड होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, पंचायत स्टैंडिंग कमेटी। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट पे पंचायत स्टैंडिंग कमेटी होगी। अब उसमें क्या इंक्लूड होगा, उसमें पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, किसके, ब्लॉक पंचायत्स की, प्लस क्योंकि ब्लॉक लेवल पे भी एक पंचायत जिसको ब्लॉक पंचायत स्टैंडिंग, ये जैसे कि पंचायत स्टैंडिंग कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे ही क्या है, स्टेट ब्लॉक लेवल पे भी होगी, ठीक है। सो वो जो ब्लॉक लेवल पे स्टैंडिंग कमेटी होगी या पंचायत होगी, वहां से मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, प्लस जो उसके, उसमें कौन इंक्लूड होता है, वो विलेज की पंचायत से लोगों को मिलाकर बनी होती है। बेसिकली विलेज लेवल पे एक पंचायत होती है, सबको पता है, एक सरपंच होता है, बहुत सारे पंच होते हैं। अब उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स उठ के ब्लॉक पंचायत में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्कूल में रिप्रेजेंटेटिव क्या है, अगर बाहर जाते हैं तो प्रिंसिपल हो सकता है, क्लास में रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर हो सकता है, वैसे ही विलेज लेवल की जो पंचायत होती है उसमें से कुछ लोग उठ के ब्लॉक पंचायत में रिप्रेजेंट करेंगे, और ब्लॉक पंचायत में से कुछ लोग उठ के पंचायत स्टैंडिंग कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो लोग वहाँ इंक्लूड होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत स्टैंडिंग कमेटी है या जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कमेटी है, उसको सब कोऑर्डिनेट कौन करेगा, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि ये लोग तो वो है ना जो उस माहौल को देख रहे हैं, यानी कि वो लोग जो कि गाँव में क्या चल रहा है वो उनको पता होगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, पढ़े लिखे ऑब्वियसली वो भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑफिसर रैंक का इंसान जो है वो उनके साथ होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेट करने के लिए साथ में कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO जिसको हम बोल देते हैं। वो फर्दर, विच इज फर्दर कोऑर्डिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसमें किसकी भागीदारी रहेगी, इनकी सलाह मशवरा जो है वो इनसे लिया जाएगा, जो ये पंचायत स्टैंडिंग कमेटी है, उस स्टैंडिंग कमेटी में ये रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ब्लॉक पंचायत के भी, और उसमें फर्दर कौन होते हैं, विलेज पंचायत के लोग होते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा कौन, DEO, और उसके साथ अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, और वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ब्लॉक तहसील जिसको हम बोल देते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो, हर डिस्ट्रिक्ट को हमने क्या किया, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक ग्रुप ऑफ विलेज होता है कि पर्टिकुलर इतने विलेज इस ब्लॉक में है, इतने विलेज इस ब्लॉक में है, वो हो गए। ईच ब्लॉक हैज इट्स ओन ब्लॉक पंचायत स्टैंडिंग कमेटी। ये पंचायत स्टैंडिंग कमेटी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होगी ब्लॉक लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेट साथ में कौन कर रहा था, DEO, ब्लॉक लेवल पे करेगा BO, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। उसके लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स जो है वो भी इसी के अंडर आ जाते हैं, जो BO होगा उसके अंडर, ठीक है जी। फिर है विलेज लेवल की बात, जो विलेज लेवल पे हमें पता है विलेज पंचायत होती है,
अब यहाँ पे क्या था, डीओ था, यहाँ बीओ था, यहाँ एईओ होगा, यानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, जो कि फर्दर किसको, उसके अंडर कौन फर्दर किसको कोऑर्डिनेट करेगा, वो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होगा, जिसके अंडर क्या आ जाते हैं फिर जो सीआरसीज हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स हैं, वो आ जाते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हो गया, एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हो गया, और एक होती है डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो डाइट है उनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बीआरसीज की और सीआरसी। बीआरसी की फुल फॉर्म होगी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यानी कि सीआरसीज। तो सबसे पहले तो आप ये फुल फॉर्म ही याद रख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछना हो तो ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि बीआरसीज हैं क्या। अच्छा, तो बीआरसीज होती क्या है, तो जो एक चीज, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बीआरसीज और सीआरसीज जो है वो हर एक ब्लॉक में, यानी डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में ये होनी चाहिए। किस लेवल पे, किसके अंडर हुआ था ये, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। तो किसके अंडर इनको एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, तो वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर की गई थी, टू कंडक्ट इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एंड टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू टीचर्स एंड स्कूल्स रेगुलर बेसिस पे, एज वेल एज टू हेल्प इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज। तो ये जो दो तीन वर्ड्स है ना, टीचर सर्विस यानी कि बेसिकली रिसोर्स सेंटर्स है ना ये, तो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे। अब वो चाहे टीचर की एजुकेशन की बात हो रही हो, या स्कूल लेवल पे बात हो रही हो, या फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज की बात हो रही हो, तो सीआरसीज और बीआरसीज जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी। बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, सो बीआरसी एक रिसोर्स सेंटर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर किस लिए होता है, या इनका मेजर जो है एम क्या होता है, तो ये रिसोर्स सेंटर्स हैं जो कि क्या करेंगे, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को एलिमेंट्री लेवल पे। इट इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एज अ वेन्यू फॉर टीचर ट्रेनिंग, यानी जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होगा वो वेन्यू भी हो सकता है जहां पे टीचर ट्रेनिंग करवाई जाए, या मटेरियल डेवलपमेंट की आप जो काम करना चाह रहे हैं वहां पे आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे आजकल सेंटर जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, सीएससीज जिनको बोल देते हैं। सो ये पर्टिकुलरली कुछ सेंटर्स होंगे जहां पे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, अगर आप वो चीज किसी भी एक्टिविटी या कॉम्पिटिशन इनसे रिलेटेड अगर हो रही है, टीचर और स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो अब जितना भी ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा प्राइमरी एजुकेशन का जो भी डाटा होगा वो बीआरसीज में अवेलेबल होगा। सो कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ये सपोर्ट एलिमेंट्री लेवल के लिए मेजर तौर पे बात हो रही है, ठीक है जी। बीआरसीज मस्ट बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑल डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान की एक्टिविटीज। तो डीपीईपी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। बीआरसीज आर हेडेड बाई ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, जिनको बीआरसीसी आप बोल देंगे, तो हेड कौन होगा, इनको हेड करने के लिए बीआरसीसी होगा, और ये बीआरसीसी जो है वो फुल टाइम होगा ताकि वो हैंडल कर सके चीजों को, आई होप। और उसको कंपनी करने के लिए एडिशनल बीआरसीसी भी हो सकते हैं, कि आपको हेल्प के लिए जो आपके अंडर हेल्पर्स काम करेंगे एडिशनली वो लोग। सो ये हो गया ओवरऑल बीआरसी के बारे में। सीआरसी क्या होता है, तो हर एक ब्लॉक में एक क्लस्टर बना दिया जाएगा, क्लस्टर यानी कुछ एक स्कूल्स को जोड़ के आप क्या कर रहे हैं, जो आसपास के स्कूल्स हैं उनको मिला के एक क्लस्टर बना दिया, तो उनका क्या बना दिया, फिर एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बना दिया, यानी इन ईच ब्लॉक देयर आर सेवरल क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, और जो हर एक एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है वो कवर करेगा स्मॉल नंबर ऑफ स्कूल्स विद इन रीच, इजी रीच, यानी जो बहुत आसपास स्कूल्स हैं उनको मिला के एक स्कूल्स का क्लस्टर बना दिया, ठीक है जी। तो सीआरसीज बाय क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, यानी जैसे उसमें बीआरसीसी था, इसमें सीआरसीसी होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा इनको। CRC is required to do the same activity at cluster level as BRC at block level. जो वो block level पे करते हैं ये cluster level पे करेंगे। The cluster ये CRCC will be accountable to headmasters of the said school, यानी हेडमास्टर क्यों बोला गया, क्योंकि हम एलिमेंट्री स्कूल्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल क्या होता है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे होता है, तो हेडमास्टर्स को के लिए को अकाउंटेबल होंगे जो ये कोऑर्डिनेटर्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्कूल्स को ही कनेक्ट करके एक क्लस्टर बनाया गया ना, तो जो स्कूल का हेडमास्टर होगा वो उसको ये रिपोर्ट करेंगे, ये अकाउंटेबल होंगे। और जो स्कूल का हेडमास्टर है वो क्या होगा, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पंचायत एजुकेशन ऑफिसर।
अब पंचायत लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर रूरल एरियाज के लिए ये टर्म होगी और अर्बन एरियाज के लिए क्लस्टर एजुकेशन ऑफिसर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लस्टर एजुकेशन ऑफिसर अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए पंचायत एजुकेशन ऑफिसर, और ये कौन होगा, ये हेडमास्टर्स को ही बोला जाता है। ठीक है जी, आई होप आपको सीआरसी समझ आया होगा। मैं ये बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हमने ये तो बता दिया बीआरसी ब्लॉक लेवल पे, सीआरसी क्लस्टर लेवल पे, काम इनका सेम होगा, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना। तो वो जो इनके मेजर फंक्शंस हैं, एकेडमिक फंक्शंस, वो क्या होंगे दोनों के, वो एक बार देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंटर एज अ रिच अकेडमिक रिसोर्स विद एम्पल रेफरेंस मटीरियल फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो। सो मतलब इनफ मटीरियल होना चाहिए वहां पे। सो ये वो क्या करेंगे, एक रिच अकेडमिक रिसोर्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इनको रिसोर्स सेंटर बोला गया है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स पूल्स बाय इन्वाइटिंग रिसोर्स पर्सन्स इंक्लूडिंग नियर बाई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसोर्सफुल इंडिविजुअल्स, एंड टू फॉर्म रिसोर्स ग्रुप इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल। यानी कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स पूल रेडी करना है, डेवलप करना है, कि आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेक्चर्स दे रहे हैं, सो वो चीज़ क्या होगी, आप कोशिश करेंगे उसको डेवलप करने की, ताकि रिसोर्स ग्रुप बन सके एक, जिसमें जो है वो एमिनेंट पर्सन्स, पर्सनैलिटीज हों। अब वो कौन कौन हो सकते हैं, वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी डाइट से किसी टीचर को बुला लिया, एनजीओज हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हो सकता है। सो आप रिसोर्सफुल इंडिविजुअल्स को वहां पे इन्वाइट करेंगे। रेगुलर स्कूल विजिट्स फॉर एड्रेसिंग एमर्जिंग डेवलपमेंट एंड पेडागोजिक इश्यूज ऑफ स्कूल। तो रेगुलर स्कूल विजिट्स जो है ये करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड मंथली मीटिंग्स टू डिस्कस अकेडमिक इश्यूज एंड डिजाइन स्ट्रैटेजीज फॉर बेटर स्कूल परफॉर्मेंस। बेसिकली रिसोर्स रेडी कीजिए, एक अच्छा जो है एनवायरमेंट दीजिए, अच्छी चीज उनको रिसोर्सेज इस तरीके से प्रोवाइड कीजिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, ताकि मंथली मीटिंग्स या डिस्कशन, सो वो वाला काम क्या रहेगा, इन लोगों का रहेगा। सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू ट्रैक एंड एनहेंस स्कूल परफॉर्मेंस। अब जो आप काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बेटर तरीके से हो रहा है, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं ये सेट करेंगे। कंसल्टेशन विद कम्युनिटी मेंबर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिनको पीआरआई बोल देते हैं, टू स्ट्राइव फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट, ओवरऑल स्कूल इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे। स्कूल इंप्रूवमेंट किन किन रिसोर्सेज से हो सकती है, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे और वो रिसोर्सेज जो है उनको अवेलेबल करवाएंगे। Designing a quality improvement plan for block and cluster as per सर्व शिक्षा अभियान goal. तो quality improvement plans को भी design करेंगे। Goal क्या होगा, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान के अंडर establish किए गए हैं, so आप उसके goals को fulfill करने की कोशिश करेंगे, ताकि time bound manner में, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान time जो है limit आपको देता है। कुछ चीज़ें उनमें हमने बात की थी कि time, उनकी एक सर्व शिक्षा अभियान की एक अच्छी बात यही थी कि वो time limit कर रहा था कि इतने time तक ये चीज़ें होनी चाहिए। Monitoring the progress of quality using quality monitoring tools in collaboration with DOs, DITs. तो वो collaborate करेंगे DOs से, DITs से, BOs से, और फिर क्या करेंगे, monitor करेंगे कि quality improvement हो रहा है या नहीं हो रहा। ओवरऑल ये इनके फंक्शंस रहेंगे। अब आती है SMDC या SMDCs, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी। स्कूल लेवल पे होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ये जो है ये रमसा के फ्रेमवर्क के अंडर आती हैं। वो क्या थी, दोनों की दोनों BRC CRC सर्व शिक्षा अभियान के अंडर थी। सो रमसा का जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है, एवरी सेकेंडरी स्कूल विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो हर सेकेंडरी स्कूल में SMDC होनी चाहिए, ये रमसा बोलता है। फिर आता है एज पर द फ्रेमवर्क SMDC शुड इंक्लूड। अब इनमें भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव को ब्रॉडली इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज, अकेडमिशियंस, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, वुमेन, पेरेंट, गार्जियंस, तो वो सारे को आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो SMDC में होने चाहिए। कंपोजिशन क्या होगी, अब जो कंपोजिशन का फ्रेमवर्क रमसा देती है ना, वो एक सजेस्टिव है, यानी सजेशन है। अब स्कूल या स्टेट वाइज वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ऐसा मतलब ओवरऑल जो है आपको चीज़ों को इंक्लूड करना है, बेटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करनी है।
सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, कि वो अपने हिसाब से जो है नॉमिनेट कर सकें. इसके अंडर जो पीपल जो आएंगे इसके अंदर मेंबर्स, तो वो लोकल रीजनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो उनकी प्रैक्टिसेस वहाँ किस तरीके की होती हैं उस हिसाब से. सो आप क्या करेंगे लोकल लेवल पे, तो इसीलिए क्या बोला गया कि ये सजेस्टिव है नेचर में, तो जो भी फ्रेमवर्क है एसएमडीसी का वो सजेस्टिव होगा और फ्लेक्सिबिलिटी है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को. ऑल दो वो कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सारों को इंक्लूड करने की कोशिश की जाए. स्टेक होल्डर्स कैसे, अब ऑब्वियसली स्कूल अगर गांव में है तो गांव वाले भी तो अफेक्ट होंगे ना, उनको पता होनी चाहिए चीज़ें चल क्या रही है स्कूल में. सो इसीलिए लोकल अथॉरिटीज़ को या फिर जो पंचायत के लोग हैं उनको या टीचर्स को पेरेंट्स को, तो वो सारे के सारे उसमें होंगे. सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अब आती है स्कूल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट कमेटी के दो सब कमेटी होती हैं. ये क्वेश्चन कई बार फैक्चुअल पूछ लिया जाता है, तो दो सब कमेटीज को असिस्ट करने के लिए होंगी. एक होगी स्कूल बिल्डिंग कमेटी और दूसरी होगी एकेडमिक कमेटी. तो ये नाम जो है दोनों आप ध्यान रखिएगा. अब आता है एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन. जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं जिसमें बेसिक तौर पे जो दो चार चीजें याद करने की हैं वो क्या है कि एसएमसी का जो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा या हेड होगा, वो कौन होगा, कोई भी पेरेंट होगा या गार्जियन जिसको बोल देते हैं, तो किसी बच्चे का पेरेंट्स, तो जो पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से कोई क्या होगा, इसका चेयरमैन होगा. 75% जो है वो पेरेंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए इसमें, प्लस फीमेल जो है वो हाफ ऑफ द जो मेंबर्स हैं वो फीमेल होनी चाहिए. सो ये दो चार चीज़ें पता होनी चाहिए. अब स्टेट वाइज ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो अगर आप स्टेट टेट दे रहे हैं कोई, तो आप क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट आपको मेंशन की गई है इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपने स्टेट का जो एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बार आप डाउनलोड करके थोड़ा सा देख लेंगे कि आपके स्टेट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. इसीलिए मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. सो आप स्टेट वाइज जो है वो इस पे जाके एक बार चेक करेंगे एसएमसी का जो आपके स्टेट में किस तरीके से फ्रेमवर्क दिया गया है, कितने टीचर्स, कितने पेरेंट्स और कौन हेड, तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आप एक बार जाके देख लेंगे. अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. ये एक स्टूडेंट ने भेजा था मेरे को, मेल किया था. सो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो अभी रीसेंट ओडिशा में एग्जाम हो रहे हैं उनमें से किसी एग्जाम में से ये क्वेश्चन था. मैंने एक दो पीडीएफ देखी, तो उसमें ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अकेडमिक फंक्शंस ऑफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर. सो क्या होगा इम्पोर्टेंट अकेडमिक फंक्शन, बी ए सेंटर फॉर रिच मटीरियल एंड एम्पल रिसोर्सेज, facilitates visits of higher officials to different schools, monitor construction as per needs of schools, ensure adequate admissions to school. So school admission से इनका बहुत कुछ लेना देना नहीं है, वो resources provide करना चाह रहे हैं एक ample amount में, और एक enough amount में resources वो available करवाएं teachers को. So ये क्या है, option A जो है वो इसका सही answer हो जाएगा. ठीक है जी. सो ये था हमारा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, किस पे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. आई होप आपको ये समझ आया होगा. अगर समझ ना आया हो कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.